नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ। जहां बीते दिन हुई भारी बारिश को लेकर रुड़की साउथ सिविल लाइंस में भारी जलभराव हो गया था और जलभराव इतना ज्यादा हो गया था कि कॉलोनी वासियों को घर से निकलने से लेकर राशन, खाना पानी और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। वही बारिश रुकने के कई दिनों बाद तक भी सड़कों पर कई कई फुट पानी भरा हुआ है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर जब कुछ समाधान नहीं निकला तो मजबूरन उन्हें हाईवे जाम करना पड़ा था, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद निशंक व अन्य प्रतिनिधियों ने आकर हमारी समस्याओं को देखा और यहां से चले गए। वही खानपुर विधायक उमेश कुमार ने जनता समस्याओं को देखते हुए पूरी साउथ सिविल लाइन के अंदर दिल्ली से पाइप व मशीनें मंगाकर पानी बाहर निकालने और इस जल प्रभाव की समस्या से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया। हम साउथ सिविल लाइन में रहते हैं, रुड़की में बहुत भारी बारिश की वजह से यहाँ पर आप लोगों को मालूम ही है बाढ़ आ गई। 5-5, 6-6 फुट पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया। लेकिन 4 दिन के अथक प्रयास के बावजूद भी जब कोई हमें सही प्रयास पानी निकालने का नहीं दिखाई दिया तो हमने रोड जाम किया। प्रशासन ने भी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ फोर्स किया हो, प्रशासन ने थोड़ा सा साथ दिया हमारा। और इस सब के बाद ही जब हमने देखा कि कोई भी पार्टी आगे नहीं आ रही है या तो नहीं आ रही है, प्रशासन इस काम को नहीं कर पा रहा है। अगली खबर अयोध्या जनपद से, जहां बैदरा में ग्रामीण बस्ती में जाकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने टमाटर की बढ़ती महंगाई को देखते हुए समाजवादी टमाटर 20 रुपए किलो की दर से गरीब बस्ती में बेचने का कार्य किया। टमाटर पाकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला। पंडित समरजीत ने कहा कि जो गरीब बेचारे टमाटर नहीं खरीद पा रहे थे, उन गरीबों को 20 रुपए की दर से समाजवादी टमाटर बेचने का कार्य किया हूँ। वही अगली खबर जालौन से है, जहां कूलर में करंट आने के कारण 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वही बच्चे की पहचान जनपद के जालौन नगर के मोहल्ला कटरा निवासी बली मोहम्मद के बेटे आशी, उम्र 7 वर्ष हो रही है। अगली खबर है एटा से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब और शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुए हैं। वहीं 1200 लीटर लहन नष्ट कर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध कई धाराओं के साथ आबकारी अधिनियम थाना जैथरा एटा पंजीकृत कर थाना स्तर से आश्वासन वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वही अगली खबर आगरा से है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार छापेमारी की थी, जहां भारी मात्रा में अवैध शराब की बोतलें, ढक्कन, रैपर बरामद किए गए हैं। इसी के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वही अगली खबर खटीमा से है, जहां नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के बाद जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता चमोली में नमामि गंजे प्रोजेक्ट साइट पर करंट फैलने की घटना से आक्रोशित थे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का जमकर विरोध करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वही आपको बता दें कि चमोली में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चमोली बाजार के समीप नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया। इस दौरान हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 के करीब लोग झुलसने से घायल हो गए। दुखद घटना उत्तराखंड में हुई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो बीजेपी का बहुत चर्चित प्रोजेक्ट है, जो कई बार घोटालों में भी आ चुका है, उसमें चल रहे कार्य को देखते और लापरवाही के चलते हुए कल 15 लोगों की दुर्घटना में मौत हुई है, जिसमें हमारे पुलिस के 5 जवान भी शामिल हैं और उनकी मौत हुई है। और शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते ये घटना घटी है, जिसमें परसों रात एक कर्मचारी की मौत हुई थी और पूरी रात शासन प्रशासन को उसके बारे में पता ही नहीं चला। जब सुबह वहाँ की पब्लिक पुलिस के साथ वहाँ गई है तो, और उसके जाने के बाद उसकी सूचना होने के बाद भी वहाँ बिजली सुचारू कर दी गई।
वहीं अगली खबर कासगंज जनपद से है, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह और भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमन चौहान के आरोप प्रत्यारोप के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग को दोनों ही नेता अब बेबुनियाद और निराधार ही नहीं बता रहे, बल्कि विरोधियों द्वारा बरगलाने का आरोप भी लगा रहे। दरअसल बीते दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो रिकॉर्डिंग ने भाजपा के खेमे में हलचल मचा दी थी, लेकिन भाजपा के कुछ संप्रभात लोगों की सूझबूझ से विराम लगता नजर आ रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह और भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमन चौहान अब वायरल हुई वीडियो से मुकरते नजर आ रहे। उन्होंने खुद का स्वार्थ समझा और मुझे मोहरा बना के उन्होंने इस चीज़ को पेश कर दिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जैसे जिस वक्त अध्यक्ष जी की लड़की की शादी थी उसी दरमियान मैंने एक जैसे समाज के नाते और संबंधों के नाते मैंने उन्हें हेल्प करने के लिए पैसे दिए थे, ठीक है। उसी के कुछ दिनों बाद मैंने अध्यक्ष जी को लाइसेंस के लिए वही अगली खबर पीलीभीत से है, जहां जनपद में 22 जुलाई से 15 अगस्त तक 36,11,000 पौधे वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए जाएंगे, जिसको लेकर पीलीभीत पहुंची कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर लगाए जाने वाले पेड़ों की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने यह भी कहा कि 3 से 6 मई में लगाए गए पौधों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं कमिश्नर ने कड़े लहजे में ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पौधे लगाए जाने पर लापरवाही की जाती है, ऐसी दशा बीजीओ सहित अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर झांसी से है, जहां शासन के आदेशानुसार 17 से 31 जुलाई तक चलने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़े के क्रम में आज सिपरी बाजार झांसी स्थित अहिल्याबाई पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सड़क सुरक्षा समिति की सदस्यता और ट्रैफिक वार्डन सुश्री प्रगति शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संबंधित नियम विस्तार से बताए गए। वही बच्चों से उक्त विषय पर प्रश्न भी पूछे गए, तत्पश्चात काव्य के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। वही कहा गया कि आप सभी अपने घर जाकर बताएंगे कि आज हमने विद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियम जाने, साथ ही अपने अभिभावकों से जिद भी करेंगे कि वो हेलमेट लगाएं व यातायात नियमों का पालन करें। वही अगली खबर झांसी से है, जहां शहरी और ग्रामीण अंचलों में हो रही विद्युत की अघोषित कटौती बंद कराए जाने पर ग्रामीण ने किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में मऊरानीपुर तहसील प्रांगण में विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वही आज सुबह 10 बजे तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में सैकड़ों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता विद्युत विभाग की तानाशाही, भ्रष्टाचारी, अवैध वसूली के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। वही लोगों की मांग है कि विद्युत विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार लाए। परिहार में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विद्युत विभाग की तानाशाही, अघोषित कटौती शुल्क पर रोक नहीं लगाई जाती तो आने वाले दिनों में विद्युत विभाग कार्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन होगा। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय गौरव की पिछले माह 23 जून में विवाह हुआ था। बताया जा रहा है कि गौरव की पत्नी भी कुछ दिन पूर्व नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। आज सुबह गौरव का शव जैसे ही फांसी पर लटका मिला तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मायके से ससुराल पहुंची गौरव की पत्नी ने गौरव के परिजनों पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, कस्बा गंगो के मोहल्ला इसरा में अभी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर गई थी कि एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। पुलिस ने जाकर वहाँ पे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो व्यक्ति है लगभग उम्र 30 साल है और इनकी 1-1.5 महीने पहले शादी हुई थी, और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इन्होंने गृह क्लेश की वजह से
सुसाइड किया है। इसमें जो भी परिजनों की तरफ से तहरीर आएगी इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें पूछताछ जारी है। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां चिलकाना उपखंड में तैनात अवर अभियंता प्रमोद कुमार यमुना नदी के समीप विद्युत लाइन पर कार्य करते हुए पैर फिसलने के कारण यमुना नदी के तेज बहाव में बह गए। पुलिस के आला अधिकारी सहित जिला अधिकारी भी मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों से अभियंता प्रमोद कुमार को लगातार ढूंढवाने के प्रयास किए जा रहे। कई घंटे की जाने के बाद भी गोताखोरों को कोई सफलता नहीं मिली। जी हाँ, सुबह 11 से 12 के बीच में सूचना मिली थी कि जो अवर अभियंता है हमारे प्रमोद कुमार, ये वहां पे चिलकाना में कोई बिजली की तारों का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये वहां पे नहर के पास गए थे और वहां पे किसी कारणवश ये नहर में डूब गए। जैसे ही सूचना मिली वहां पे आसपास के लोगों ने सूचना दी, पुलिस तुरंत वहां पे पीएससी फ्लड प्लेटून के साथ और हमने सीओ चित्रांशु गौतम। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां थाना बहेट पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया। वही चोर के पास से 3,50,000 नगद बरामद हुई है। उसके साथ ही एक जोड़ी झुमके, एक जोड़ी टॉप्स, एक चैन और एक देसी तमंचा, 312 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वही अगली खबर हमीरपुर से है, जहां बाढ़ से बचाव के लिए अधिकारियों ने मौके पर ड्रिल किया। वही ग्रामीणों को बाढ़ से निपटने और सावधानी बरतने का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही नदी में डूबते हुए युवक का लाइव डेमो कराकर प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि यमुना और बेतवा नदियों में बाढ़ आने से मुख्यालय के निचले इलाके काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जनपद मुजफ्फरनगर में एक विशालकाय मादा मगरमच्छ मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। दरअसल पूरा मामला भोपा थाना क्षेत्र के तीर्थ नगरी शुक्रताल क्षेत्र के गंगा घाट के एक प्लॉट का है, जहां एक विशालकाय मादा मगरमच्छ घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों द्वारा मगरमच्छ मिलने की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया, वही आगे की कार्रवाई में जुट गई। वही अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से हताहतों और घायलों को अधिक मुआवजा और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग उठने लगी है। इसी क्रम में आज भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने एक बयान जारी करते हुए सवाल किया। बता दें कि लोगों ने मांग की है कि इस दर्दनाक घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।